हेलो एस्पिरेंट्स, आइए देखिए क्या है आज के द हिंदू की मुख्य सुर्खियां। शुरू करते हैं फ्रंट पेज से। पाकिस्तान विल रिलीज अभिनंदन टुडे। गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा है कि भारतीय एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो कि अभी पाकिस्तान की कस्टडी में है, उन्हें शुक्रवार को रिलीज किया जाएगा। पार्लियामेंट के एक ज्वाइंट सेशन में इमरान खान ने यह कहा है कि शांति की तरफ इशारा करते हुए हम पकड़े गए भारतीय पायलट को कल रिलीज कर देंगे। और गुरुवार की शाम आईएएफ ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हम बहुत ही खुश है कि हमारा विंग कमांडर वर्धमान वापस आ रहा है। उसी के साथ अगली खबर है, इंडिया प्रेजेंट्स प्रूफ ऑफ डाउन PAF F-16 जेट। गुरुवार को भारतीय एयरफोर्स ने इस बात को प्रूव करने के लिए सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान ने F-16 जेट फाइटर जेट तैनात किए थे और इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, जिसमें से एक F-16 जेट को गिरा दिया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर का कहना है कि इस एरियल कॉम्बैट में पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स के MiG-21 बाइसन द्वारा गिरा दिया गया। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट स्टेज एविक्शन ऑफ ट्राइबल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 13 के अपने ही आदेश को स्टे कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार लाखों शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का निष्कासन किया जाना था, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत उनके जंगल की जमीन के अधिकार को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके दावे को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन साथ ही जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व में एक बेंच ने इस बात पर बल देकर कहा है कि जो शक्तिशाली और अवांछनीय लोग हैं जिन्होंने जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किया है, उन्हें कोई दया नहीं दिखा रही है। नेक्स्ट इज AJL टोल्ड टू मूव आउट ऑफ हेराल्ड हाउस। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL, जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार का पब्लिशर है, उसकी याचिका, उसकी दलील को रद्द कर दिया है, जो कि केंद्र के उस ऑर्डर के, उस आदेश के खिलाफ था, उसे चुनौती दे रहा था, जिसमें केंद्र ने उसे हेराल्ड हाउस के प्रीमाइसेस को खाली करने के लिए कहा था। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 1 मार्च को 11 बजे सुबह हेराल्ड हाउस का आधिपत्य लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को दे दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पब्लिक प्रिमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट के अंतर्गत AJL एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नजर डालते हैं हेराल्ड हाउस की लीज की टाइमलाइन पे। 30 अक्टूबर 2018 को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने हेराल्ड हाउस बिल्डिंग का पट्टा लीज, जो कि AJL एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिया हुआ था, उसको समाप्त कर दिया। 15 नवंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए कहा निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में, एविक्शन प्रोसेस। 21 दिसंबर 2018 को एक सिंगल जज बेंच लीज टर्मिनेशन ऑर्डर, जिसके अंतर्गत पट्टा कैंसिल किया, मतलब समाप्त किया जाना था, उसको डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया। और 6 जनवरी 2019 को AJL ने हाईकोर्ट की एक डिविजन बेंच के समक्ष इस सिंगल जज बेंच के निर्णय को चुनौती दी। और फाइनली फरवरी 28, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के निर्णय को कायम रखा। नेक्स्ट इज कैबिनेट क्लियर्स वॉलंटरी यूज ऑफ आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक अध्यादेश की घोषणा को, प्रमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत निजी एंटिटीज जैसे कि बैंक्स, टेलीकोस या फिनटेक फर्म्स को अनुमति होगी कि वे वॉलंटरीली स्वेच्छा से आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये अध्यादेश एक बच्चे को भी ऑप्शन देता है कि अगर वो 18 साल का हो जाता है तो वो आधार से एग्जिट कर सकता है अगर वो चाहे तो। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनेंस क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट डजंट टिंकर विद
35A और 370। गुरुवार को यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत जॉब्स, प्रमोशन और एजुकेशन में रिजर्वेशन को एक्सटेंड करके उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। इससे पहले इस रिजर्वेशन का, इस आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के 10 किलोमीटर की रेंज में रहते थे। अभी इसे एक्सटेंड करके इंटरनेशनल बॉर्डर तक कर दिया गया है, जो कि 10 किलोमीटर की रेंज में आते हैं लोग इंटरनेशनल बॉर्डर में, उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा जॉब्स में, प्रमोशन में और शिक्षा में। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन अलाउज 11 डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव वोटर्स आइडेंटिटी। गुरुवार को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वे लोग जिनके पास इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है, वे अब 11 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जाने हैं वो है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, या बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस की पासबुक कैरिंग फोटोग्राफ या वोटर्स की, या फिर पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी किए गए हैं, या फिर मनरेगा का जॉब कार्ड या हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड की जगह पे एज एन ऑल्टरनेटिव सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कट्स फाइनेंशियल ईयर 2019 ग्रोथ एस्टिमेट 7%। गुरुवार को सरकार ने अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को रिवाइज किया है और इस रिवीजन में 2018-19 वित्तीय साल में जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है, जो कि पहले अनुमानित था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% होगी, उसे कम करके अब 7% कर दिया गया है। डेटा के मुताबिक लगातार तीसरे क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो पड़ गई है। अगर हम यहाँ क्वार्टर वाइज देखते हैं तो 2018-19 के क्वार्टर वन में, दैट इज अप्रैल से जून, कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.0। क्वार्टर टू 2018-19 के लिए, जो कि जुलाई से सितंबर होता है, उसमें कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट थी 7.0, 8 से घटके 7। देन क्वार्टर थ्री के लिए, जो कि होता है अक्टूबर से दिसंबर, ग्रोथ रेट 7 से घटके 6.6 पे आ गई थी। तो आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ रेट नीचे गिरती चली गई क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर थ्री तक। आते हैं आखिरी पेज पर हमारी आखिरी खबर के लिए, राइनोज विदाउट बॉर्डर्स इज कंजर्वेशन क्रीडो। एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने, जहां की वन हॉर्न हर्बीवर राइनोसोरस पनपता है, उन्होंने ये कहा है कि राइनोसोरस के कंजर्वेशन में, उनके संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बीच में नहीं आनी चाहिए। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो कि एशियन राइनो रेंज कंट्री के सेकेंड मीटिंग में अडॉप्ट किया गया, उसमें ट्रांस बाउंड्री कोलाबोरेशन, ट्रांस बाउंड्री सहयोग को रेखांकित किया गया है, जिसमें भारत, नेपाल और भूटान वन हॉर्न राइनो के संरक्षण के लिए एक दूसरे से सहयोग करेंगे। भूटान में कोई भी राइनोज नहीं है, लेकिन असम के मानस नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल के बोक्सा टाइगर रिजर्व से कभी कभी वो लोग राइनोज बॉर्डर क्रॉस करके भूटान चले जाते हैं, तो इसलिए भूटान को भी इस डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है। इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू की मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण यही समाप्त होता है। द हिंदू करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ए ए शाह यंग आईएएस को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें।